सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी रफ्तार पकड़े हुए है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी फिल्म गदर 2 का क्रेज अभी भी लोगों में वैसे का वैसा ही बना हुआ है। वहीं सनी देओल से लेकर फिल्म मेकर्स तक सभी सक्सेस पार्टी भी खूब एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। लेकिन तारा सिंह की सकीना यानी अमीषा पटेल डायरेक्टर अनिल शर्मा से कुछ नाराज चल रही हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है जो अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। दरअसल अमीषा पटेल ने अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा पर कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद डायरेक्टर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। आपको बता दें अमीषा ने इस बार उत्कर्ष शर्मा पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल अमीषा पटेल ने अनिल शर्मा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म गदर 2 में अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को आगे बढ़ाने की पूरी जद्दोजहद कर ली, लेकिन तब भी पूरी लाइमलाइट सकीना और तारा सिंह ही ले गए। अमीषा ने कहा कि आज के समय में बहुत लोग उनसे अनिल शर्मा के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछ रहे हैं। आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि ये सच है कि गदर 2 के दौरान हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, लेकिन वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। जिस तरह परिवार के सभी सदस्य साथ नहीं रहते, उसी तरह हम भी साथ नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम एक परिवार हैं। इसके बाद अमीषा ने उत्कर्ष के लिए कहा कि वो बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन कोई भी लड़का ये नहीं चाहेगा कि वो सिर्फ अपने पिता की फिल्मों में ही काम करे। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस फिल्म में अनिल उत्कर्ष को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और फिल्म की सारी लाइमलाइट तारा सिंह और सकीना ही ले गए। अब आपको क्या लगता है, क्या आप अमीषा पटेल की इस बात से सहमति रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी एंटरटेनिंग खबरों के लिए देखते रहें ENT Live।